क्लास टेंथ साइंस चैप्टर लाइट। इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जैसे कनकेव मिरर है, कोई रे पैरेलल आएगी तो फोकस से पास होगी, पैरेलल रे आएगी और वो फोकस से पास होगी। दूसरा रूल पढ़ा था कि फोकस से आएगी तो पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से आई और कैसे पैरेलल। फिर हमने पढ़ा था कि अगर सी से होते हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए कोई रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराएगी तो वापस उसी रास्ते से चली जाएगी, सी टू सी। फोर्थ रूल हमने पढ़ा था, अगर कोई पी पे आती है इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से जाएगी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये चार हमने रूल पढ़े थे। ये तो कनकेव के बनाए मैंने, कन्वेक्स के समझो बिल्कुल ऐसे ही, पैरेलल आई और ये फोकस है, इसका फोकस इधर रहता है तो टकरा के ये बिल्कुल फोकस के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, ऐसे कि अगर वापस देखें तो फोकस की तरफ है और ऐसे बिल्कुल अपोजिट। दूसरा, फोकस की तरफ आई यानी अगर ये नहीं होता तो सीधा वो कहां से पास होती, फोकस से, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तीसरा, सी की तरफ आई यानी कहां, सी की तरफ, बिल्कुल सी के टुवर्ड सी, टकरा के वापस चली जाएगी। फोर्थ, पी पे आई इक्वल टू आर, सेम वही रूल। तो ये आपको है ना रफली इसी तरह से इतनी स्पीड से आपको बनाने आने चाहिए अच्छी तरह से, ठीक। जब रफली बनाने सीखोगे तब फिर फेयर बना पाओगे, रूल आपको ये याद होने चाहिए बेटा। अच्छा, इन्हीं में से इन्हीं को यूज करके अब हमें बनाने कनकेव मिरर के डायग्राम। तो कनकेव मिरर के कितने डायग्राम बनेंगे, कनकेव मिरर के 6 डायग्राम बनेंगे। तो फर्स्ट कनकेव मिरर बना दिया हमने, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट ऐसे रख के दिखाएंगे, ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि इन्फिनिटी पे ऐसे ही रखते हैं। और यहाँ से डॉट 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 बनाएंगे कि एक रे पैरेलल, इन्फिनिटी से हमेशा रे पैरेलल आती है, सन की रेज हमेशा पैरेलल आएंगी, पैरेलल, और दोनों टकराने के बाद कहाँ से जाएंगी, फोकस से। तो दो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद जहां मिलेंगी वहीं इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट कहां थी, ऑब्जेक्ट थी एट इन्फिनिटी, इमेज कहां बनी, एट फोकस। कैसी बनी, नेचर ऑफ इमेज रियल, क्योंकि टकराने के बाद रियल में वो मिलती है यहां पे। साइज कैसा था, पॉइंट साइज बहुत छोटा, साइज मतलब जो मीटिंग पॉइंट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी दूर है, तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही मिल रही है तो हम इसे कहते हैं पॉइंट साइज। तो दोबारा देखो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी है, इमेज फोकस पे बनी हुई है, नेचर रियल है, साइज कैसा है, पॉइंट साइज। ये फर्स्ट इमेज है, कौन सी, फर्स्ट। ऐसी ऐसी 6 इमेजेस जो है वो कनकेव मिरर पे बनती है। सेकंड के लिए आप फिर मिरर बना लो, फिर प्रिंसिपल एक्सिस बना लो, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार ऑब्जेक्ट थोड़ा सा नजदीक आ जाएगी यहां, फिर ये एक इंसिडेंट रे आएगी पैरेलल, पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से, दूसरी फोकस की तरफ आएगी और कैसी जाएगी, पैरेलल। कहाँ मिली दोनों, यहां मिली, तो इमेज कहाँ बनेगी, यहां। तो ये ऑब्जेक्ट और ये नीचे इमेज। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, हम इसे कहते हैं बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बनी, बिटवीन
सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। नेचर कैसा है, ये भी रियल है। साइज कैसा है, स्मॉल, ऑब्जेक्ट बड़ी है देखो, और इमेज कैसी है, स्मॉल साइज्ड, तो स्मॉल साइज्ड। तो ये सेकंड आपकी इमेज बन गई है। थर्ड में ऑब्जेक्ट और नजदीक आ जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट है। पैरेलल रेज आई कहां से जाएगी, फोकस से। फोकस पे आई कहां से जाएगी, पैरेलल। कहां मिली, यहां बिल्कुल सी के नीचे ही मिलेंगी। तो ऑब्जेक्ट कहां रखी थी, एट सी। इमेज कहां बनी, वो भी सी पे ही। कैसी बनी, रियल। और इस केस में दोनों का साइज भी सेम होता है, दोनों का साइज भी कैसा होता है, सेम। तो हम लिखेंगे सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज जितना ही साइज होगा। तो ये आपकी कौन सी होगी, थर्ड इमेज बन गई आपके पास ये। फोर्थ के लिए फिर आप डायग्राम बना लो। फिर प्रिंसिपल एक्सिस बना लो, फिर पोल, फोकस, सी। अब ऑब्जेक्ट एक स्टेप और आगे आ जाएगी, सी और एफ के बीच में। पैरेलल रेज आएगी ऑब्जेक्ट से टकरा के, फोकस से पास हो जाएगी। फोकस से आएगी, पैरेलल चली जाएगी। कहां मिली, बियॉन्ड सी। तो ऑब्जेक्ट कहां रखी थी, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। इमेज कहां बनी, बियॉन्ड सी। साइज नेचर कैसा, रियल। साइज लार्ज, आप देखोगे कि इसमें इमेज लार्ज बनी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। नेक्स्ट फिर फिफ्थ, ये फोर्थ था आपका, फिफ्थ। पोल, फोकस, सी। ऑब्जेक्ट एक स्टेप और आगे आ जाएगी फोकस पे। पैरेलल इमेज आई, फोकस से गई। तो फोकस से तो आ नहीं सकती, तो यहां पी पे आ जाएगी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आप देखोगे कि ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो कहां मिलेंगी, पैरेलल रेज को हम कहते हैं इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी का साइन है। कहां मिलेंगी, एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट कहां रखी थी, एट फोकस, फोकस पे। इमेज कहां बनेगी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे। है कैसी, रियल है। और साइज वेरी लार्ज, क्यों, क्योंकि देखो बहुत दूर कहीं मिलेगी, तो उस पॉइंट को अगर प्रिंसिपल एक्सिस से टच करेंगे तो बहुत बड़ा साइज बनेगा। नेक्स्ट, ये तो फिफ्थ थी आपकी भाई। सिक्स्थ इमेज देखो, फिर हमने बना दिया कंकेव मिरर, फिर प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, फिर पोल बनाया, फोकस बनाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट एक स्टेप और आगे आ जाएगी, यानी पोल और फोकस के बीच में। अब पैरेलल रेज टकराएगी और फोकस से चली जाएगी, यहां पे कोई आएगी और ऐसे चली जाएगी आईआर बनाते हुए। तो यहां तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है, तो इधर तो मिलेंगे नहीं, तो हम मान लेंगे, हमें ऐसा लगेगा कि ये पीछे से कहीं से एक पॉइंट से आ रही है दोनों, यानी ये यहां थी। तो अब इमेज यहां बनेगी, इसको प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर दो डॉटेड लाइन से, क्योंकि एक्चुअली नहीं है, हमें सिर्फ ऐसा प्रतीत हो रहा है, महसूस हो रहा है, लग रहा है। तो अब ये ऑब्जेक्ट है और इसकी ये इमेज है, ये।
तो ऑब्जेक्ट कहाँ थी? बिटवीन एफ एंड पी। इमेज कहाँ बनी? बियॉन्ड द मिरर, बिहाइंड द मिरर लिख लो, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी है। कैसी है? अब रियल नहीं है, अब वर्चुअल है। अब कैसी इमेज बनी? वर्चुअल इमेज बनी। और साइज? साइज तो लार्ज ही है। ये टोटल 6 इमेजेस कनकेव मिरर के लिए बनती हैं बेटा। इन 6 इमेजेस को एक साथ अगर स्टडी करना, याद रखना है, तो एक साथ ऐसे एक ही फिगर में याद रख सकते हो। आप एक कनकेव मिरर बना लो रफ, उस पे पोल बनाओ, फोकस बनाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाओ। तो पहली सारी इमेज बना दो इस पे। पहली इमेज तो इन्फिनिटी पे ये बना दी और इसके ऊपर फर्स्ट लिख दिया। फर्स्ट डायग्राम वाली इमेज इन्फिनिटी पे थी। सेकंड ये थोड़ी आगे आ जाती है, ये सेकंड, ये एट इन्फिनिटी, ये सिंबल, इसे हम लिखेंगे बियॉन्ड सी, लिख देते हैं यहाँ पे बियॉन्ड सी। थर्ड वाली के लिए इमेज सी पे बनेगी, तो एट सी। फोर्थ आगे आ जाएगी एक स्टेप और, सी और एफ के बीच में ये फोर्थ थी, तो इसे लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। फिर नेक्स्ट फिफ्थ थी एट एफ, तो देखो ये फिफ्थ, ये फोर्थ, ये थर्ड, ये सेकंड, ये फर्स्ट। ये किसके लिए बना रहा हूँ ये डायग्राम? ये इमेज, इमेजेस के लिए, जो डिफरेंट इमेजेस के लिए ऑब्जेक्ट पोजीशन थी। फॉर इमेजेस ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको शो करने के लिए बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशंस हैं। सिक्स्थ में एक स्टेप और आगे ऑब्जेक्ट आ जाती है, जहाँ बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में। तो 6 डायग्राम बनाए हमने, 6 में ऑब्जेक्ट, इमेज काट दो नहीं तो इसी पे ध्यान जाएगा। 6 में ऑब्जेक्ट जहां जहां हर एक अलग अलग डायग्राम में रखी, हमने एक ही डायग्राम पे बना ली। इसे याद करना आसान हो जाएगा। इन्फिनिटी पहले डायग्राम बेसिक, फिर एक स्टेप, फिर एक स्टेप आगे, फिर सी पे, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पे पहुंची और फिर आगे पहुंच गई है। अगर इनके रिस्पेक्टिव, इन्हीं के रिस्पेक्टिव, इन्हीं इमेजेस के रिस्पेक्टिव, ये जो ऑब्जेक्ट है, हम इमेज बनाएं तो देखना कैसे। पहले तो बेसिक डायग्राम, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी वाली बनी थी फोकस पे, पॉइंट साइज। एक स्टेप आगे आई तो यहां बनी थी स्मॉल। सी वाली सी पे ही बनी थी, सी और एफ। फोर्थ वाली और आगे बन गई थी बियॉन्ड सी। फिफ्थ फोकस वाली एट इन्फिनिटी, कहीं डॉट 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 एट, पता नहीं कहाँ, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बनी थी। इसको लिखेंगे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। इसे लिखेंगे एट सी। ये हो गया बिटवीन सी एंड एफ, और ये हो जाता एट एफ। और सिक्स्थ वाली बनी थी यहाँ ऐसे इमेजिनरी, ये थी सिक्स्थ। तो ये फर्स्ट इमेज यहाँ बनी थी, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ और सिक्स्थ यहाँ। यानी ये फर्स्ट की इमेज यहाँ। देखो ऑब्जेक्ट तो नजदीक आती जा रही है और इमेज दूर जाती जा रही है, एक एक स्टेप, एक एक स्टेप ऑब्जेक्ट नजदीक, एक एक स्टेप इमेज दूर। फोकस, फोकस एक स्टेप आगे, फिर सी, फिर आगे और फिर बहुत आगे। सिक्स्थ वाला याद रखना, ये सारी रियल इमेजेस थी, ये वर्चुअल है। ये सारी इन्वर्टेड थी, ये इरेक्ट है। ये सब स्क्रीन पे ऑब्टेंड हो सकते, ये नहीं हो सकते। रियल और वर्चुअल इमेज में, रियल एंड वर्चुअल इमेज में जो डिफरेंस है बहुत इम्पोर्टेंट है। रियल और वर्चुअल इमेजेस का डिफरेंस बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों याद रख लोगे तो आपको क्या है, डायग्राम ध्यान रहेंगे। और लॉज याद रख लो कि पैरेलल आती है, पैरेलल तो वो फोकस से चली जाती है, फोकस से आती है तो पैरेलल, सी से आई तो सी पे, और आई इज इक्वल टू आर। ये 4 रूल में से कोई भी 2 रूल यूज करो और इन ऑब्जेक्ट्स के लिए इमेजेस आपकी बन जाएंगी। क्लियर है बेटा? कन्वेक्स के लिए 2 ही हैं बेटा। पहला क्या है देखना,
पहले तो इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, पैरेलल आएगी, फोकस के अपोजिट चली जाएगी, ये भी पैरेलल आई नीचे से और फोकस के अपोजिट चली गई। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी थी, बी एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनी, एट फोकस, फोकस पे मिली है दोनों रेज, ऐसा लग रहा फोकस से जा रही है, एट फोकस। नेचर कैसा है, वर्चुअल, क्योंकि रियल में तो मिलती ही नहीं। और साइज, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, ये फर्स्ट है। किसके लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए। तो कन्वेक्स मिरर की सेकंड इमेज देखना, पोल फोकस। अब ये कहीं भी रखेंगे हम, यहां नियर पोल और इन्फिनिटी के बीच में। ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। इमेज कहां बनेगी, पैरेलल आई, फोकस के अपोजिट चली गई, फोकस के अपोजिट। दूसरी सी की तरफ ले आओ, सी की तरफ आई और इसी रास्ते वापस चले गई, तो डॉट 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 ये यहां बनी छोटी सी। तो इमेज कहां बनी है, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच बनी है। नेचर कैसा है, वैसा ही वर्चुअल। साइज कैसा है, स्मॉल। देखो इन दोनों से कुछ बातें समझ में आएंगी, इन दोनों डायग्राम से, कि कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी, इरेक्ट मतलब सीधी, सिर ऊपर पैर नीचे, जैसे ऑब्जेक्ट वैसी इमेज, ऊपर ऊपर, और हमेशा स्मॉल साइज की बनेगी, स्मॉल साइज की बनेगी। वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल साइज, इसका फायदा क्या है, इसलिए इसे व्हीकल्स के अंदर, व्हीकल के अंदर साइड व्यू मिरर, साइड व्यू मिरर की तरह यूज करते हैं। आपकी गाड़ियों में, बाइक में जो मिरर लगे होते हैं वो कन्वेक्स मिरर होते हैं। क्यों, अब कनकेव होगा और वो इन्वर्टेड इमेज दिखा देगा या कोई बड़ी इमेज दिखाएगा। स्मॉल साइज की इमेज की वजह से इट कवर लार्ज फील्ड व्यू, ज्यादा फील्ड व्यू को ये मिरर कवर करते हैं। आप मिरर में पीछे देखो, बहुत सारा एरिया आपको दिखाई दे जाएगा, सब इरेक्ट दिखाई देंगे स्मॉल साइज की वजह से, ज्यादा व्यू क्लियर होगा, इसलिए इसे साइड व्यू मिरर या फिर इसे हम रियर व्यू मिरर की तरह यूज करते हैं। तो इसके यूज आ जाते हैं, कन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या क्या है और क्यों है, क्या क्या है और क्यों है। तो दोनों के यूज आपको पढ़ने हैं, कन्वेक्स मिरर के भी और कनकेव मिरर के भी, ठीक है। आप है ना बेटा, अपने कार वगैरह के शीशे पे देखना, बाइक के शीशे पे लिखा होता है बहुत बारीक कि ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन इट अपियर। आपको वो दूर दिखाई देगी लेकिन ऑब्जेक्ट नजदीक होगी, यानी सब चीजें छोटी होने की वजह से साइड व्यू मिरर गाड़ी के शीशे में वो दूर दिखाई देती है लेकिन होती वो नजदीक है। ये आपका पेज नंबर 166 पे एनसीईआरटी, 166 एनसीईआरटी, यूज ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के पहले यूज दे रखे हैं। तो पहला यूज कनकेव मिरर का टॉर्च के अंदर, कहां, टॉर्च। दूसरा सर्च लाइट। तीसरा व्हीकल की हेडलाइट। किस वजह से भाई, टॉर्च में, सर्च लाइट, हेडलाइट, इन तीनों में एक ही कारण से कनकेव मिरर लगता। अब लगता कहां है, तुम अपने गाड़ी के हेडलाइट को देखना, तुम अपने कार की हेडलाइट को जब देखोगे तो ध्यान देना, इस तरह की हेडलाइट आपको दिखाई देगी बेटा। ये आगे का मिरर, प्लेन शीशा, और ये पीछे की हेडलाइट आपने देखी होंगी अंदर की, ये अंदर की है, इधर आपकी ये कार है ऐसे,
और सामने लाइट जाएगी ऐसे। आप सामने से जब इधर से आंख से अपने हेडलाइट के अंदर देखोगे, बंद करने के बाद, ऑन करने के बाद नहीं, तो ये पीछे जो कटोरे जैसा दिखाई दे रहा है, इस पे कौन सा कलर होता है आपने अगर कभी देखा हो तो? जहां ये बल्ब लगा होता है, यहां ये बल्ब है, इस बल्ब के पीछे इस कटोरे पे कौन सा कलर है, किसी को ध्यान है तुम में से? सिल्वर है बेटा, सिल्वर कलर होता है, बिल्कुल ठीक, सिल्वर कलर। आपने कभी बचपन में पढ़ा सिल्वर कलर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर? ये सिल्वर कलर इसीलिए कि यही कनकेव मिरर है, ये आगे तो प्लेन ग्लास लगा हुआ है, ट्रांसपेरेंट, आगे तो ट्रांसपेरेंट शीशा लगा होता है जिससे लाइट बाहर आती है, तो इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। ये जो पीछे कटोरा दिखाई दे रहा है, जो बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये क्या है, यही मिरर है। और ये किस शेप में? कनकेव शेप में, क्योंकि सिल्वर कलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है कर्व के। तो ऐसा ये होता क्यों है, इसका कारण समझ लो। ये जो बल्ब है, बल्ब इज एट फोकस, ये बल्ब इस मिरर के फोकस पे होता है, बल्ब इस मिरर के फोकस पे है, बल्ब इज एट फोकस ऑफ मिरर, मिरर के फोकस पे है। और जब बल्ब से लाइट निकलेगी तो तुम्हें पता फोकस से लाइट निकली, और फोकस से लाइट निकल के जैसे ही मिरर पे लगेगी, कहीं भी लगे, मिरर पैरेलल सामने की तरफ उसे रिफ्लेक्ट कर देगा। कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा? सामने। इससे क्या होगा? इससे पैरेलल बीम सामने की तरफ, दूर तक पैरेलल बीम जाएगी। आपने अगर पहले की टॉर्च देखी होंगी पुराने वाली, अपने पेरेंट्स से पूछना, उनमें भी आगे की तरफ ऐसा ही होता था, उन्हें वो खोल के देखते थे आगे की तरफ ऐसा ही कटोरा सा सिल्वर कलर का, तो उसमें आगे बल्ब लगता था। तो टॉर्च, सर्च लाइट, व्हीकल की हेडलाइट, तीनों का सेम यही फंक्शन है, उसमें बल्ब मिरर के फोकस पे लगा होता है, फोकस से मिरर पे जब लाइट जाएगी तो पैरेलल बीम प्रोड्यूस करेगी, ये ध्यान रखना। दूसरा कनकेव मिरर शेविंग मिरर में यूज होता है, किसमें? शेविंग मिरर। तो शेविंग मिरर में क्या है, शेविंग मिरर में क्यों होता है, ये भी मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये कनकेव मिरर बड़ा सा कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है बड़ा सा, और आपकी चेयर को हम डाल दें पोल और फोकस के बीच में, आपको बैठा देते हैं, तो आपकी ये सिक्स्थ वाला डायग्राम बन गया आपका, कौन सा? सिक्स्थ। तो सिक्स्थ डायग्राम में आपकी इस मिरर के पीछे बड़ी इमेज दिखाई देगी, यानी सामने वाले मिरर में। अगर प्लेन मिरर है तो आपको अपने फेस जितनी ही इमेज दिखाई देगी। जो महंगे शोरूम्स होते हैं भाई, बढ़िया शेविंग वगैरह की जगह होती हैं, वहां पे कनकेव मिरर लगाते हैं, आपको अपनी शक्ल से बड़ी शक्ल सामने दिखाई देगी, बहुत बारीकी से एक एक जो है वो पॉइंट दिखाई देगा। तो इसीलिए कनकेव मिरर को शेविंग मिरर में यूज करते हैं। रीजन ये सिक्स वाला डायग्राम आप एक्सप्लेन कर देना, किस लिए? लार्ज इमेज ऑफ द फेस, लार्ज इमेज देखने के लिए। क्यों लार्ज इमेज? बता दिया कि कहाँ बैठा होता है भाई कस्टमर, पोल और फोकस के बीच में, सिक्स वाला डायग्राम। डेंटिस्ट भी इसे यूज करते हैं, क्यों? डेंटिस्ट आपके दांत के बिल्कुल पास कनकेव मिरर ले जाएंगे, आपके दांत की बड़ी इमेज वो देख लेंगे, क्योंकि दूसरा कन्वेक्स तो हमेशा छोटी इमेज बनाएगा, तो दांत की बड़ी इमेज देखने के लिए कनकेव मिरर। लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। और बहुत बड़ा कनकेव मिरर सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है सोलर फर्नेंस में। सोलर फर्नेंस में लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जनरेट करते हैं, इस पे हम आयरन को भी मेल्ट कर लेते हैं। बहुत बड़ा कनकेव मिरर हम सन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, सन रेज आती है रिफ्लेक्ट करके फोकस पे रिफ्लेक्ट करती है, और फोकस पे 3000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ जाता है। सन की बहुत बड़े एरिया की सनलाइट को एक पॉइंट पे हम फोकस कर देते हैं, 3000 डिग्री सेल्सियस, वहां पे दिखाई आपको कुछ नहीं देगा क्योंकि लाइट रेज ही तो है, लेकिन आप वहां से पास होगे तो एकदम से गायब हो जाओगे, क्योंकि जल के राख हो जाओगे भाई, इतना टेम्परेचर है, ये ध्यान रखना। कन्वेक्स मिरर में इमेज हमने देख ली है, पढ़ ली है, अब इसके यूज पढ़ते हैं। देखना बेटा,
कन्वेक्स मिरर के यूज एज रियर व्यू, अभी अभी पढ़ाया हमने, रियर व्यू विंग मिरर इन व्हीकल्स, दीज मिरर आर फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल एनेबलिंग ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम और हर, सेफ ड्राइविंग के लिए। कन्वेक्स मिरर आर प्रिफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट, बताया था ना अभी डायग्राम बनाया जब, इरेक्ट थ्रू डिमिनिश्ड इमेज, इरेक्ट भी और डिमिनिश्ड यानी छोटी इमेज देता है। दे हैव ए वाइडर फील्ड व्यू, लार्ज फील्ड व्यू शो करता है, दूर बड़ा एरिया दिखा देता है आपको छोटे सी जगह में। कर्व्ड आउटवर्ड, दिस कन्वेक्स मिरर इनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया एंड वुड बी पॉसिबल विद ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के लिए पॉसिबल नहीं था, मच लार्जर एरिया देन प्लेन मिरर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एरिया कन्वेक्स मिरर से ड्राइवर देख सकता है। तो कारण पूछ लेंगे, यूज पूछ लेंगे, कोई एक यूज पूछ के उसका कारण पूछ लेंगे, ध्यान रहेगा। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, साइन कन्वेंशन यानी किस चीज को आपको प्लस का साइन लेना है, किसको माइनस का साइन लेना है, इन्हें कहते हैं साइन कन्वेंशन। यानी एक तरह से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। देखो मिरर को, कनकेव मिरर को आप ऐसे भी बना सकते हो, इस तरह से भी, और आप जो है वो ऐसे भी बना सकते हो, ऑब्जेक्ट यहां भी रख सकते हो और इस तरफ भी रियल में, लेकिन बुक में जो भी डायग्राम होंगे उसमें ये पहले वाले तरह से बनाया होगा, क्योंकि रूल एंड हमने रेगुलेशंस कुछ बना दिए हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। देखना, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू लेफ्ट ऑफ द मिरर, मिरर ये रहा, मिरर के लेफ्ट में ही ऑब्जेक्ट रखेंगे हम। तो बुक में जितने भी डायग्राम बनाएंगे उसमें ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखेंगे मिरर के, एक्चुअली में तो किसी भी तरफ हो सकती है ना, तो ये रूल बनाया हमने। दिस इम्प्लाइज दैट लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द मिरर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मिरर पे लेफ्ट हैंड साइड से लाइट आएगी, जैसे हमने ये मिरर बनाया था, ये ऑब्जेक्ट थी तो लेफ्ट हैंड साइड से आके लाइट टकराई थी, तो ये पहला रूल है। सेकंड, ऑल द डिस्टेंसेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑल द डिस्टेंसेज किन किन डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है वो, इसमें वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन चारों डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूं, वो ऑल द डिस्टेंस लिख के, कि ये जो चारों डिस्टेंस हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हैं, मेजर फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, इन्हें पोल से मेजर करेंगे। तो ये पोल से मेजर करने का क्या मतलब है, इसका मीनिंग समझना। देखो ये ऑब्जेक्ट रखी है, हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, तो हम पोल से, पोल पहले पोल पे जाएंगे, फिर पोल से इस तरफ मेजर करेंगे कि भाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर कितना, पोल से लेके इमेज ऑब्जेक्ट तक, फोकस यहां है तो फोकल लेंथ पोल से लेके फोकस तक, मान लो सी यहां है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से यहां तक, कहां से शुरू करेंगे मेजर करना, पोल से। तो ये हमारा सेकंड है कि सारे डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होंगे पोल से मेजर करेंगे। थर्ड, ऑल द डिस्टेंसेज मेजर राइट ऑफ द ओरिजिन, अगर पोल से राइट साइड के डिस्टेंस हमें मेजर करने, राइट साइड में कौन कौन से होते हैं, अगर मिरर कनकेव ना हो कन्वेक्स हो, तो कन्वेक्स में फोकल लेंथ किस तरफ है, राइट में, सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ है, राइट में, तो पोल से हमें ये राइट साइड में मेजर करने होंगे, और राइट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे, उन्हें क्या लेंगे हम, पॉजिटिव, और जो लेफ्ट में मेजर करेंगे उन्हें लेंगे नेगेटिव, जैसे ऊपर ये सारे लेफ्ट में थे तो लेफ्ट में लेंगे तो नेगेटिव, और पोल से राइट की तरफ होंगे तो पॉजिटिव, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्स एक्सिस मैथ में एक्स एक्सिस होती है, मैथ में एक्स एक्सिस राइट की तरफ प्लस और लेफ्ट की तरफ माइनस होती है ना ग्राफ में, ऐसे ही डिस्टेंस इज मेजर परपेंडिकुलर एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अबव
यहाँ कौन से डिस्टेंस की बात की हुई है, यहाँ ऑब्जेक्ट के साइज की, ऑब्जेक्ट साइज या इमेज साइज, इमेज के साइज की, साइज ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट साइज को एच से डिनोट करते, इमेज साइज को एच डैश से। ये परपेंडिकुलर होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, इनमें जो ऊपर की तरफ है उन्हें पॉजिटिव लेंगे और जो नीचे की तरफ होते हैं उन्हें नेगेटिव। यानी अगर इमेज वर्चुअल वर्चुअल यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव और नीचे है तो नेगेटिव, बिल्कुल वैसे ही जैसे वाई एक्सिस होती है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 रूल है, ये साइन कन्वेंशन हेडलाइन करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, साथ में ये समझने भी पड़ेंगे, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर में न्यूमेरिकल है बहुत सारे, न्यूमेरिकल्स में जब आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज लोगे तो उनके सामने प्लस या माइनस का साइन भी आपको लगाना पड़ेगा, और आप तभी लगा पाओगे जब आपको ये याद होंगे, प्लस जो अभी हमने इमेजेस बनाई थी वो याद होंगी, ताकि आपको ध्यान रहे कि इमेज किस तरफ बनी थी। ठीक है ना, क्लियर हुआ बेटा?